कुछ नहीं है, पब्लिक ने हमसे गुहार लगा है, हम लोग कैसे जिएंगे? मेन रोड पर ही बैरिकेडिंग लगा दिया है, अगर कहीं कोरोना है तो वहां लगाना चाहिए, मेन रोड पर। हमारा ये कहना है बैरिकेडिंग से कोई दूर नहीं, हमारा ये कहना है, ये बैरिकेडिंग का विरोध नहीं करते हैं, हमारा एक कहना है कि उसमें बैरियर लगाना चाहिए, एक सिपाही को दे दे, ईटा उसमें बांध दे, छत्ता लगा के किसी के दुकाने में बैठ के गिरा दे हटा दे, हमारे क्या बैरिकेडिंग तोड़ने का कोई मतलब नहीं। आखिर हमारे ऐसे एमएलए को दिक्कत हो रहा है, बाजार से घूस है, कैसे निकलेंगे, आम पब्लिक का क्या दशा होगा? और एक बात मुख्य बात सुन ली कि दो एम्बुलेंस वहां से घुरा है, अस्पताल जा रहा था नहीं जा सका, और एक एम्बुलेंस में कोरोना पॉजिटिव था, वो अस्पताल ले जाने के क्रम ऑक्सीजन जरूरी था, वहां से फिर भागलपुर चल दिया, वो पता नहीं चला है कि कौन कोरोना पॉजिटिव था, और पुल पर भी जाम था और वहीं पर वो देख कर दे। ये स्थिति है, प्रशासन सरकार का जो निर्देश है, गाइडलाइन है कि भाई क्या सुविधा, कैसे कोरोना से हम लोग बचे, तो कोरोना से बचेंगे क्या? रोगी हो के हम लोग मर रहे, ये कहानी है। हम जो तोड़ताड़ की, हमको निकलना था ना, हम ऐसा नहीं ब्रेकिंग लगा है जानबूझ के हम तोड़े, हमको निकलना था, निकलते तो कैसे निकलते, इसलिए हम हटा दिए। हटा के हम दुकान वाले को बोले चला आओ पकड़ो सबको इसको हटाओ, हटा के हम बार बार कर गए। ठीक उसी टाइम मेरे सामने में एक पिकअप कोई सामान था आया और वो अंदर घुसा। अब रात में दिन में तो लॉकडाउन में ठीक है, नहीं जाने देते हैं जो साहब या दुनिया कोई भी नहीं जाने देता है, ठीक है। तो रात में जो आएगा बैरिकेडिंग लगा दीजिएगा, तो अब स्टेशन के निकट वो गाड़ी रोक के माथे पर बीच बाजार ढोके ले जाएगा, ये सोच नहीं है। ये जितना सरकारी मुलाजिम है वो काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ सरकार का वेतन लेना चाहता है। अगर काम करने वाला था बैरियर लगा के सिपाही को बहाल कर दीजिए, वो नहीं करके उन्होंने ब्रेकेटिंग आराम से ब्रेकेटिंग लगा दिया। लोग पब्लिक को कोई कष्ट हो हमको कोई मतलब नहीं, हम तो पब्लिक के बनाए हुए लोग हैं ना, पब्लिक ने गुहार लगाया, हम आए से दूध पकड़ गया बैरियर में हटा दिया, यही तो किए है। तो पब्लिक कुछ भी, पब्लिक के लिए कुछ भी करते, जहां तक मालूम हुआ मेरे ऊपर वही फैयार करने के लिए कहा। अरे जिंदगी भर तुम जेल में, 7 साल तक लगातार जेल में रहे आरजेडी के समय काल में, मर्डर केस में इस केस में कोनो काम करे नहीं करे हम फंस जाते थे। हमारा ये कहना, ये पैर मेरा पब्लिक के लिए जेल में रहता, ये पैर फाटक के इधर, अगर गलत होगा तो पैरवा उठा दिए जेल चले गए, अगर सही तो पैर उठा दिए बाहर चले जाए। तो जेल से हम डरने वाले, मुकदमा से डरने वाले नहीं है,